वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पोंचू लेकर आई हूँ। इस पोंचू को मैंने शेल स्टिच से बनाया है और इसे बनाने के लिए मैंने ब्राइलोन की ऊन का यूज़ किया है। ब्राइलोन की ऊन काफ़ी फाइन होती है, इसलिए ब्राइलोन की ऊन पर यह डिज़ाइन काफ़ी खिलकर सामने आता है। इसकी नेक में मैंने डोरी डाली है और ये पम पम बनाए हैं। इसे मैंने 3 रंगों से बनाया है। ये मेरा पीच कलर है जिसे मैंने बेस कलर बनाया है, और ये मेरा क्रीम कलर है, और ये थर्ड वन मेरा ग्रीन कलर है। हो सकता है वीडियो में आपको ये कलर ब्लू दिखाई दे रहा हो, बट यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया है। इसकी जो लास्ट वेव है वो भी मैंने पीच कलर से बनाई है, क्योंकि पीच कलर मेरा बेस कलर है। इसकी लास्ट रो में मैंने ये डिज़ाइन डाला है ताकि हमारे पोंचू की लुक काफ़ी अच्छी दिखाई दे। अगर आप इस कलर की बजाय ग्रीन कलर को अपना बेस कलर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ग्रीन कलर यूज़ करेंगे, और जो आप थर्ड वेव बनाएंगे वहाँ पर ग्रीन कलर यूज़ करेंगे। आपका पीच कलर जो है वो आपका सेकेंड वेव में यूज़ हो जाएगा, फिर आपका जो बेस कलर है वो ग्रीन बन जाएगा और यहाँ पर भी आप ग्रीन कलर बनाएंगे। तो आइए इस पोंचो को बनाना शुरू करते हैं। इस पोंचो को बनाने के लिए मैंने 2.5 mm हुक का यूज़ किया है, और इसकी शुरुआत हम क्रीम कलर के धागे से करेंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम 12 के मल्टीपल्स में चेन्स बनाते हैं, और मैंने इस पोंचो को बनाने के लिए 120 चेन्स ली हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और चेन्स बनाना स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हमारी 60 चेन्स कंप्लीट हो गई हैं, और इस पॉइंट पर हम एक स्टिच मार्कर लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये हमारी 120 चेन्स कंप्लीट हो गई हैं। और अब हम चेन को सीधा करके स्लिप स्टिच बनाएंगे। हमारी चेन में कोई ट्विस्ट नहीं रहना चाहिए। इन दो पॉइंट्स पर हम क्लस्टर्स बनाएंगे और बाकी चेन पर हम शेल स्टिच बनाएंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। क्लस्टर बनाने के लिए हम 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2, 3, ये 3 चेन्स हमारा डबल क्रोशे का काम करेंगी, और इसी पॉइंट पर हम 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन्स, 1, 2, 3 डबल क्रोशे। ये हमारा एक क्लस्टर बन गया है। अब हम बाकी चेन पर शेल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1, 2, और 2 चेन स्किप करेंगे, 1, 2, और थर्ड चेन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद थर्ड चेन पर हम 8 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमारा एक शेल बन गया है। पूरी चेन पर हम इसी तरीके से शेल्स बनाएंगे। 2 चेन स्किप करेंगे,
सिंगल क्रोशे, दो चेन स्किप करेंगे, एट डबल क्रोशे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, दो चेन स्किप करेंगे, सिंगल क्रोशे, दो चेन स्किप करेंगे, एट डबल क्रोशे, फिर दो चेन स्किप करेंगे, सिंगल क्रोशे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, दो चेन स्किप करेंगे, सिंगल क्रोशे। ऐसे ही शेल्स बनाते हुए हम इस पॉइंट पर पहुंचेंगे। ये हमारे शेल्स बन गए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अब हम फिर से इस पॉइंट पर क्लस्टर बनाएंगे। थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे, टू चेन्स, वन टू, और थर्ड चेन में तीन डबल क्रोशे, वन टू थ्री, टू चेन्स, थ्री डबल क्रोशे, वन टू थ्री, टू चेन्स, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे, थर्ड चेन में शेल बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये शेल बन गया है। इसी तरीके से हम यहाँ पर पहुँचेंगे। ये हमारे नाइन शेल्स भी इस तरफ बन गए हैं। अब हम टू चेन्स बनाएंगे और स्लिप स्टिच बनाकर अपनी रो को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद स्लिप स्टिच से हम इस होल तक पहुंचेंगे और कलर चेंज करेंगे। अब हम इसमें ग्रीन कलर लगाएंगे। और इस पॉइंट पर फिर से क्लस्टर बनाएंगे, थ्री डबल क्रोशे, टू चेन्स और थ्री डबल क्रोशे का, वन टू थ्री चेन्स, दो डबल क्रोशे, टू चेन्स, थ्री डबल क्रोशे, टू चेन्स। इस पॉइंट पर हम वी स्टिच बनाएंगे और इस पॉइंट पर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। वी स्टिच बनाने के लिए डबल क्रोशे, टू चेन्स, डबल क्रोशे,
ये हमारा एक वी स्टिच बन गया है। दो चेन्स बनाएंगे और इस पॉइंट पर, मिडल पॉइंट पर हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। दो चेन्स, वी स्टिच, दो चेन्स, सिंगल क्रोशे, दो चेन्स, वी स्टिच, दो चेन्स, सिंगल क्रोशे, टू चेन्स, वी स्टिच, टू चेन्स, सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से हम यहाँ पर पहुँचेंगे। ये हमने वी स्टिचेस बना दी हैं। पहले हमारे पास 9 शेल्स थे, नेक्स्ट पैटर्न में हमारे पास 10 वी स्टिचेस हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम पहुँचेंगे, हमारे जो शेल्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। एक शेल इस तरफ से बढ़ेगा और एक शेल हमारा इस तरफ से बढ़ेगा, और इन दो पॉइंट्स पर हम शेल्स नहीं बनाएंगे, इन दो पॉइंट्स पर हम हमेशा क्लस्टर्स बनाएंगे। टू चेन्स, थ्री डबल क्रोशे, टू चेन्स, थ्री डबल क्रोशे, टू चेन्स। फिर से यहां पर वी स्टिच, वन डबल क्रोशे, टू चेन्स, वन डबल क्रोशे, टू चेन्स, सिंगल क्रोशे, टू चेन्स, वी स्टिच, टू चेन्स, वन सिंगल क्रोशे, टू चेन्स, वी स्टिच, टू चेन्स, वन सिंगल क्रोशे। इस तरीके से हम अपनी रो को कंप्लीट करेंगे। ये हमारे वी स्टिचेस बन गए हैं। अब हम इस रो में लास्ट वी स्टिच बनाएंगे। टू चेन्स, स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच। इस पॉइंट पर अब हम फिर से क्लस्टर बनाएंगे और इन वी चेन्स में शेल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, टू डबल क्रोशे, टू चेन्स, थ्री डबल क्रोशे, टू चेन्स। टू चेन्स बनाने के बाद इस पॉइंट पर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे और यहाँ पर शेल बनाएंगे 8 डबल क्रोशे का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस पॉइंट पर
सिंगल क्रोशे और इस वी स्टिच में फिर से शेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सिंगल क्रोशे। ये पैटर्न हमारा इस तरीके से दिखाई देगा। ऐसे चलते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये इस साइड के 10 शेल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इस पॉइंट पर क्लस्टर बनाएंगे। क्लस्टर बनाने से पहले हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 2 chains, 3 double crochet, 2 chains, 3 double crochet, 2 chains, single crochet, अब फिर से हम शेल्स बनाना स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट पर पहुंचेंगे। ये हमारी सेकंड वेव के शेल्स कंप्लीट हो गए हैं। इस पॉइंट पर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 2 chains बनाएंगे और स्लिप स्टिच बनाकर सेकंड वेव को कंप्लीट करेंगे। स्लिप स्टिच। ये हमारा पैटर्न इस तरीके से बनेगा। अब हम पीच कलर यूज करेंगे, स्लिप नॉट लगाएंगे, और इस पॉइंट पर क्लस्टर बनाएंगे, 3 chains, 2 double crochet, 2 chains, 3 double crochet, 2 chains। इस पॉइंट पर हम वी स्टिच बनाएंगे, डबल क्रोशे, 2 chains, double crochet, 2 chains, single crochet, 2 chains, V stitch। Two chains, single crochet, 2 chains, V stitch। Two chains, single crochet, 2 chains, V stitch। ऐसे बढ़ते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे और थर्ड वेव कंप्लीट करेंगे शेल्स डालकर। ये पैटर्न सेम इसी तरीके से बनेगा जैसे हमने नीचे बनाया था। ये पीच कलर से वी स्टिच वाली रो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें शेल्स बनाएंगे और अपनी वेव को कंप्लीट करेंगे। एक वेव बनाने के लिए हमें 2 रोज़ बनानी पड़ती हैं। फर्स्ट रो में हम वी स्टिचेस बनाते हैं और सेकेंड रो में हम शेल्स बनाते हैं। अब हम इसमें शेल्स बनाएंगे और अपनी थर्ड वेव को कंप्लीट करेंगे। ये पोंचो की पीच कलर से थर्ड वेव कंप्लीट हो गई है। इसकी लुक कुछ इस तरीके से आएगी। क्योंकि मैंने इसमें 120 चेन्स ली हैं,
तो आप इस पोंचो को 5 ईयर से ऊपर किसी भी गर्ल के लिए बना सकते हैं। बस आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपके जो पोंचो की लेंथ तैयार होगी वो गर्ल की हाइट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब हम इसमें इन्हीं कलर्स के पैटर्न को रिपीट करेंगे और अपने पोंचो को डिज़ायरेबल लेंथ में बनाएंगे। ये मैंने 20 वेव्स कंप्लीट कर दी हैं। अब हम इसकी 21st वेव बनाएंगे। इसमें हम हल्का सा डिज़ाइन डालेंगे। अगर आपको इससे बड़ा पोंचो बनाना है तो आप 24 या 27 वेव्स भी बना सकते हैं। इसकी जो लास्ट वेव है हम पीच कलर से बनाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जो थर्ड वेव बनाई है वो पीच कलर से बनाई है, और इसके नेक पर जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो वो भी हम पीच कलर से बनाएंगे। यानी कि पीच कलर हमारा बेस कलर है। अगर आप बेस कलर ग्रीन लेना चाहते हैं तो आप ग्रीन कलर को थर्ड वेव बनाइए, और यहाँ पर जो डिज़ाइन डालेंगे हम वो ग्रीन कलर से बनेगा, और हमारी लास्ट वेव भी ग्रीन कलर से बनेगी। तो आइए इस पर डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। इस पॉइंट पर और इस कॉर्नर पॉइंट पर हम 6+6 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2, 3 चेन्स, यानी कि 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3, 4, 5, 6। अब हम 4 चेन्स बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। अब हम इस पॉइंट पर स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर से हम इसी पॉइंट पर 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बाकी के जो शेल्स हैं उनमें हमने 8 डबल क्रोशे बनाए थे, तो हम 4+4 डबल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, 1, 2, 3, 4, 4 चेन्स, 1, 2, 3, 4, स्लिप स्टिच, 4 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, 4 चेन्स, 4 स्टिच, 4 डबल क्रोशे, 1 क्रोशे। ये देखिए, ये डिज़ाइन इस तरीके से आएगा। ऐसे चलते हुए हम अपनी लास्ट रो को कंप्लीट करेंगे। ये मैंने हाफ रो कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके सेकंड कॉर्नर पर पहुंच गए हैं। इस पॉइंट पर हम 6+6 से डिज़ाइन बनाएंगे। 6 डबल क्रोशे, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
वन टू थ्री फोर स्लिप स्टिच, सिक्स डबल क्रोशे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिंगल क्रोशे, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर स्लिप स्टिच, वन टू थ्री फोर। कॉर्नर्स पर हम 6+6 से डिज़ाइन बनाएंगे और शेल्स में हम 4+4 से डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम अपनी लास्ट रो को कंप्लीट करेंगे। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर स्लिप स्टिच, वन टू थ्री फोर, सिंगल क्रोशे, और यहाँ पर स्लिप स्टिच। इसी के साथ ये हमारी लास्ट वेव कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी नेक बनाएंगे। बनाने के लिए हम पीच कलर का थ्रेड लगाएंगे और हर होल में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। वन टू थ्री, थ्री चेन्स, 2 डबल क्रोशे, इस होल में 3 डबल क्रोशे, इस होल में 3 डबल क्रोशे, थ्री डबल क्रोशे, हर शेल में 2 सेट बनेगा 3 डबल क्रोशे का। इसी तरीके से चलते हुए हम नेक को कंप्लीट करेंगे। थ्री डबल क्रोशे, थ्री डबल क्रोशे, स्लिप स्टिच, और इसी के साथ ये हमारी नेक कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें डोरी डालेंगे। डोरी डालने के लिए हम इसमें क्रीम और ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे, और उसके बाद जब हम डोरी पर टैसल्स या फ्लावर्स या पोम-पोम कुछ भी बनाएंगे वो हम पीच कलर से बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए मैंने क्रीम और ग्रीन कलर लिया है। अब हम इनसे चेन्स बनाएंगे।
ये हमारी डोरी बन गई है। अब हम इस डोरी को इसके नेक में पिरोएंगे। इसको पिरोने के लिए इस पॉइंट को हम छोड़ देंगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है हमें कि जिस तरफ से हमने धागे जोड़े थे उसको हमने बैक साइड बनाना है, और जो हमारा थ्रेड फ्री पोर्शन है उसको हमने फ्रंट पोर्शन बनाना है। तो हम अपनी डोरी इस तरफ से पिरोना शुरू करेंगे। ये धागे पीछे रहने चाहिए और इस पोर्शन में हम अपनी डोरी को पिरोना शुरू करेंगे। इस पॉइंट को हम छोड़ देंगे, इस होल से डोरी को अंदर डालेंगे और नेक्स्ट होल से डोरी को बाहर खींचेंगे। इस होल से डोरी को अंदर डालेंगे और उससे नेक्स्ट होल से बाहर निकालेंगे। ऐसे करते हुए हम पूरी डोरी को पिरो देंगे। ये मैंने नेक में डोरी पिरो दी है। अब हम इसके एंड पॉइंट्स पर क्या लगाते हैं ये आपकी क्रिएटिविटी पर छोड़ती हूँ मैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये पोंचू कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।